परिसर की स्थापना के पश्चात पीर बुरहानुद्दीन चिश्ती की मान्यता बहुत रही और उस समय पठानों का एक दस्ता अफगानिस्तान से घूमते घूमते काम की तलाश में यहाँ इस इलाके में आया। महाराव शेखा जी की उस समय जो है ख्याति काफ़ी अर्जित हो चुकी थी, उनका नाम काफ़ी हो चुका था और महाराव शेखा जी चूंकि मोकल जी की बड़ी आस्था थी पीर बुरहानुद्दीन चिश्ती में, तो उन्होंने पीर बुरहानुद्दीन चिश्ती साहब जो हैं उनका ये स्थान बनाया हुआ था, एक तकिया बना दिया था उसको रहने का। लोग यहाँ पे आते थे, उनसे मिलते थे। तो जो पठानों का दस्ता आया था वो बुरहानुद्दीन चिश्ती साहब के पास आया, उन्होंने शेखा जी को उनसे मिलवाया। हमारे साथ में है हैदर अली खान साहब पठान जो हैं, और ये शेख महाराव शेखा जी जो हैं उनके पगड़ी बदल भाई थे पठान। पगड़ी बदल रस्म हुई, उन्होंने एक दूसरे की पगड़ी बदली, कुरान और पुराण की अदला बदली की और तब से लेके आज तक महाराव शेखा जी के वंशज शेखावत और पन्नी पठान आज भी आपस में भाइयों जैसा व्यवहार है। तब निश्चित हुआ था कि जो शेखावत हैं वो सुअर नहीं खाएंगे और पठान जो हैं वो गाय का मांस नहीं खाएंगे, और वो परंपरा आज तक चलती आ रही है। तो हम इस बारे में हैदर साहब से बात करेंगे कि आप महाराव शेखा जी के बारे में क्या जानते हैं और क्या किस तरीके से आपको पता है और क्या कहना चाहते हैं आज के लिए। दरबार दबाते थे इनको हमेशा कि भाई तुम है ना अच्छे रोटी लाओ और उनकी नस्ल और वो हमें यानी फोर्स में दो, मतलब इनकी और बहुत सारी बातें थी। लेकिन जब ये चलता रहा इनका सिलसिला तो हमारे राव शेखा जी बहुत परेशान थे। ये जो हमारे शेख पुरान चिश्ती थे ना, ये यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर तपस्या की थी इन्होंने, यानी कि वजीफा खेचा था। अब इनके महाराज के हमारे वहीं थे, इनके 9 महीने बच्चा हुआ, तो बच्चा हुआ तो इन्होंने जा करके प्रकट हुए वहाँ कि महाराज आपके देन से बच्चा तो गया। तो बोले मैंने जो कुछ कहा था तेरे को किया कि फिर उन्होंने गिड़गिड़ा करके कहा कि महाराज बोले मैं क्या बताऊँ भाई, हमारे धर्म में थोड़ा सा हाँ बोले मेरे को पता। तो इस तरीके से ये बातें तो मेरे को मैं सुनी हुई है। शेखावाटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक नहीं आपस में कोई वैमनस्य नहीं है, भाईचारे के साथ रहते हैं। सही। तो उस भाईचारे के बारे में आज आपको क्या कहना, क्योंकि उसकी देश को जरूरत है। आज देश को ये समझना चाहिए कि हमारे पठान और शेखावत जो भाई भाई बन के रह सकते हैं 600 सालों से, तो पूरा हिंदुस्तान क्यों नहीं रह सकता। हम लोग हैं, हम तो यानी जैसे थे जैसे जैसे रहेंगे, क्यों हम तो वचनबद्ध हैं और हमेशा हमें ये वचन हमें याद दिलाता रहेगा, क्योंकि जो हमारे जो बुजुर्गों ने जो वचन करे थे ना, तो इन्होंने ये कहा था कि यानी सुअर हम नहीं खाएंगे और गाय तुम नहीं खाओगे, तो हम तो हमारा निभाता रहे अभी तक और निभाएंगे, मर जाएंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और रहा हमारा भाईचारा कभी नहीं टूटेगा। आप दिल से पूरे हिंदुस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन जैसे भाईबंदी से जैसे अपने बुजुर्ग रहते आए वैसे अपन ने। हाँ, तो मतलब शेखा जी ने जो एक सद्भाव की परंपरा शुरू की थी जी, आज उस सद्भाव के साथ अगर हम सब रहें जी, तो हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ऊपर रह गया। बिल्कुल साहब। हैदर साहब का ये कहना है कि ये वचनबद्ध हैं और मैंने कई शेखावतों से बात की है तो वो भी कहते हैं कि साहब हम वचनबद्ध हैं, पठान हमारे भाई हैं है और रही। देखो मैं और तो नहीं कह सकता, जितने राजपूत हैं यानी कि जैसे और भी अपने जैसे बहुत सारी कौम है, लेकिन जो शेखावत वंशज असली होगा ना वो अगर उसको जब भी पता पड़ेगा ना कि ये पठान है, वो झुक करके सलाम जरूर करेगा और आज भी बराबर में हमें भी झुक करके सलाम करना पड़ता है। और हम उनकी बस्ती में आए हुए हैं अभी, ये पूरा इलाका जो है पठानों का बास बोलते हैं, उसको पठानों का बास बोलते हैं, और महाराव शेखा जी जो हैं इनके पगड़ी बदल भाई थे, तो आज भी शेखावत जो है पठानों को पगड़ी बदल भाई बोलते हैं। वैसा ही व्यवहार होता है। सामाजिक सद्भाव का ऐसा संदेश आज से 600 साल पहले महाराव शेखा जी ने दिया था जो आज भी इस इलाके में
शेखावटी में तो कम से कम कायम है, पूरे हिंदुस्तान में बलबे हुए, दंगे हुए, पर यहाँ आज भी भाईचारा कायम है और हमेशा रहेगा, क्योंकि सबकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति, आप अपने अपने अपना धार्मिक अनुष्ठान कीजिए पर आपस में भाई की तरह ही रहते हैं। प्रभु दयाल जी सैनी एक बात बहुत बढ़िया कही है कि साहब शेखा जी के टाइम में वह सामाजिक सद्भाव इतना अच्छा था जो आज भी नहीं है, और जो आज सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, वो आज से 600 साल पहले उस चीज को प्रैक्टिकली शेखा जी ने करके दिखाया था, ये प्रभु दयाल जी सैनी का कहना है। आमेर का बणवीर नाम का राजा था जो मोकल जी के समकक्ष था, उसके बाद उनका पुत्र उदरण जी आया। उदरण जी का 1496 में स्वर्गवास हो गया और उसके बाद उदरण जी के बाद चंद्रसेन जी वहां के राजा बने। विक्रम संवत 1524 में चंद्रसेन जी आमेर की गद्दी पर विराजे। उनकी गद्दी पर विराजने से लेकर के और विक्रम संवत 1528 तक ये एक 5 साल का जो समय है ये बड़ा एक दुखदायी समय था। वो अपने पिताजी को भी एक प्रकार से उपलाम देते थे कि उन्होंने बरवाड़ा के प्रति अर्थात महाराव शेखा जी के प्रति उन्होंने जो नीति अपनाई वो एक बड़ी सॉफ्ट नीति थी, जिसके कारण से वो दोष दिया करते थे कि आज महाराव शेखा जी हमारे अधीन ना होकर के और एक स्वतंत्र राजा कहलाने के लिए बार बार संघर्ष कर रहा है। उनके बीच में 6 झड़पें हुई। तो वो झड़पें क्या थी कि वो आके उनके सीमा का किसी गांव में जो है सीमावर्ती गांव में और आके जला गए, घरों में आग लगा गए, लूट के ले गए आमेर के सैनिक। राव शेखा जी ने उस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि चलो यार कोई बात नहीं, भाई बंद है, मान जाएंगे। फिर उन्होंने किसी गांव को जला दिया, ये जाते थे दूसरे दिन उन सैनिकों वो गांव पे कब्जा करते थे, ये उनको हराते थे और वो भाग जाते थे, कुछ मर जाते थे, खप जाते थे, वीरगति को प्राप्त होते थे। ये 6 इस तरीके के आक्रमण जो हैं आमेर ने इनकी सीमा पर किए और शेखा जी ने हर बार उनको हराया और भगाया। बट फाइनली जब 6 हार गए वो, तो चंद्रसेन जी का गुस्सा जो है बहुत ही एक एक बड़े स्तर पे जाके पहुंचा और उन्होंने एक फाइनल युद्ध करने की सोची। उस युद्ध को धूली के युद्ध के रूप में जाना जाता है। चंद्रसेन जी एक ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि ये बरवाड़ा नाम का एक चीज़ क्या है, राज्य क्या है, ये तो एक अधीनिस्थ छोटा सा है कि दिया हुआ है तो हमारा आमेर का राज्य का हिस्सा है, हमें अपना ये हमारे अधीन है ये। जबकि शेखा जी कहते तो नहीं, पारिवारिक परिस्थिति में और परता में हम आपके बराबर हैं, हम आपके अधीन नहीं हैं, हमें स्वतंत्र रूप से ये जागीर एक दी गई है, हम इसके मालिक हैं और हमारा आपका एक अधीनस्थ नहीं है, आपके बराबर के परिवार हैं। इस बात से वो माने नहीं और एक वैमनस्यता बढ़ती ही गई। इस पर चंद्रसेन जी बहुत नाराज हुए और उनको उनके सलाहकारों ने कहा कि राव शेखा जी कि जिस तेजी के साथ साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और जिस तरह की वीरता का कौशल अपने युद्ध के तहत दिखा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब वो आमेर पर भी आक्रमण करें। राजा चंद्रसेन इस बात से चिंतित हो गए और उसके बाद उन्होंने राव शेखा जी की सेनाओं के साथ छोटी छोटी झड़पें उनकी सेनाओं ने की। पहले तो उन्होंने करीब 4 हमले तो उन्होंने किया, उसको तो शेखा जी ने अनदेखा कर दिया। एक हमले साथ में किया तो उन्होंने 700 घोड़ों की एक सेना भेजी और कहा कि शेखा जी को आप अरेस्ट करके लाओ, कैद करके लाओ। तो उस वक्त शेखा जी बरवाड़ा में नहीं थे, किसी अभियान में अपने राज्य संचालन में कहीं और कहीं गए हुए थे वो।
ये सेना आई और उन्होंने बरवाड़ा को, जो गांव नीचे बसा हुआ, उसमें आग लगा दी, ध्वस्त कर दिया। और बालाजी की खो में उनके दादाजी का एक बहुत बड़ा विशाल एक प्रसाद, एक महल था, उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। उनके सेवक थे, उनको मार दिया। जब शेखा जी को इस बात का पता लगा तो उस पर रात हो चुकी थी, लेकिन शेखा जी फिर भी रात को आए और आमेर की सेना को वहाँ से भगा कर उन्होंने भगा दिया। राजा चंद्रसेन जी की सेनाओं को मुँह की खानी पड़ी। इसके पश्चात उनका एक और अभियान होता है कि किसी भी क्रम में कैसे भी जाओ, आप शेखा जी को पकड़ कर लाओ। तो शेखा जी के पकड़ने के लिए आमेर की 2000 घुड़सवारों की एक सेना आई। शेखा जी को पता लगा, इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि अमृतसर को तहस नहस कर दो। जिस प्रकार से बरवाड़ा को किया, ऐसे ही आप अमृतसर को, जो एक छोटा सा एक गांव था उससे बसा हुआ था, ठीक है, इसको तहस नहस कर दो। लेकिन वो इसको परिणाम को जानते थे। अमृतसर से निकलकर दो कोस पहले वो नाणमे आ गए और शेखा जी ने 1500 घोड़ों की सेना के साथ लेकर आमेर के साथ युद्ध किया और आमेर के जितने घोड़े साथ आए थे उनको भी घेर करके फिर वापस ले गए। आमेर का बहुत नुकसान हुआ। इस पर वो बहुत क्षुब्ध हो गए आज, और अब तो इतने तिलमिला गए कि उन्होंने अपने सब दरबारियों के सामने जूतियां खोलकर आमेर के प्रांगण में चावल और पानी हाथ में लेके संकल्प लिया कि मैं स्वयं जाऊंगा और महाराज शेखा जी को आज मैं अरेस्ट करके लाऊंगा या वध करूंगा, उनका वध करने या उसको जिंदा पकड़ने के पश्चात ही मैं अंजल ग्रहण करूंगा। अब की बार 25,000 सैनिकों के साथ उन्होंने महाराज शेखा जी पे आक्रमण करने की सोची। धोली जो है इसी तरीके का दर्रा है, ये जो आप देख रहे हैं एक इसी तरीके का दर्रा है, और महाराज शेखा जी ने अपने 1800 सैनिकों के साथ में एक व्यूह रचना की।